हे एवरीवन, वेलकम टू गेमिंग विद अभिनीत। और हम आ चुके हैं 3 वनडे सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज़ में, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और ये होगा पहला वनडे मैच। तो हमारे कैप्टन रहेंगे रिंकू सिंह, इनके कैप्टन है अल्जारी जोसेफ, और हम 2 डाउन पे आएंगे। वहाँ पे मैंने पढ़ लिया जल्दी से। तो स्टैंडर्ड पिच है ये, वेरी सॉफ्ट है। सॉफ्ट में तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, वेरी सॉफ्ट में कैसी जाएगी मैं श्योर नहीं हूँ। वेरी सॉफ्ट में बहुत ही नीचे रहती है बॉल, तो बॉलिंग की तो अच्छी नहीं जाती इतनी। आई होप बैटिंग की अच्छी जाए। दोनों कैप्टन्स रेडी है वहाँ पे। और टेल्स कहा है हमारे इंडिया के कैप्टन रिंकू सिंह ने, सिक्का भी उछल चुका है वहाँ पे, टेल्स आ गया। तो इंडिया ने ये टॉस जीत लिया है। क्या लेने वाले हैं भैया? हल्के से क्रैक्स है डेवन के पीछे, शायद बैटिंग लेंगे ये। वाओ, बैटिंग ही ली इन्होंने, तो तुक्के हमारे सही लगने लग पड़े हैं धीरे धीरे। तो चलिए भैया, बैटिंग का टाइम आया है, तो बैटिंग करते हैं यहाँ पे। शुरू करते हैं इस मैच को। 9 मैचों में 258 रन एवरेज हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, 350s भी हमने बनाई है। तो क्विकली यहाँ पे देखते हैं भैया हुआ क्या है। तो जगदीशन आज नहीं चले भैया, सिर्फ 0 रन बना के आउट हो गए। प्रशांत चोपड़ा 15 पे आउट हो चुके हैं। अनमोलप्रीत सिंह खड़े हुए 21 रनों पे। कुछ टीम में चेंज मुझे नहीं लग रहा, यही सेम टीम्स से इंग्लैंड में भी खेले थे, और ये सेम टीम है जिससे इस टाइम हम वेस्ट इंडीज़ में भी खेल रहे हैं। और बॉलिंग में प्रीमस और जोसेफ को 1-1 विकेट मिला है। तो चलिए अपनी बैटिंग स्टार्ट करते हैं। प्रीमस करा रहे हैं गेंदबाजी। पहली गेंद उनकी काफ़ी नीची रही, पर शॉट अच्छा लगा, टाइमिंग भी अच्छी थी, 1 रन बहुत इजीली मिल गया वहाँ पे। तो वराये चाह चुके हैं, इन्हें हमारी वीकनेस पता है। वहाँ पे 8वां ओवर है और वरायच गेंद लेके बिल्कुल तैयार है। शॉट अच्छा था लेकिन गैप बिल्कुल भी नहीं था, 1 रन और मिल गया। चलिए भैया, दूसरी बॉल आ चुकी है। इस ओवर की पहली गेंद अच्छी फेंकी थी इन्होंने, ये शॉट अच्छा है, गैप में है ये, रन 1 मिल गया वहाँ पे। टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी तो 1 ही रन मिला। 10 ओवर हो चुके हैं वहाँ पे, 47 for 2। और ये कौन से गेंदबाज है, पढ़ नहीं पाया इनका नाम मैं। 1 रन और मिल गया हमें, शॉट अच्छा था ये, टाइमिंग बहुत अच्छी थी। तो अब 11 ओवर हो चुके हैं, 48 पे 2 नए गेंदबाज। स्मिथ वहाँ पे आ चुके हैं, ये बहुत अच्छा शॉट था, 1 ही रन मिलेगा। ये शॉट अगर 10 ओवर से पहले पड़ा होता तो 4 रन दे के जाता हमें। होगी लुइस की जिस हिसाब से अभी तक गेंदबाजी कराई है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा शॉट और 1 रन और मिल जाएगा के तैयार वहाँ पे। शॉट अच्छा है ये, लेकिन रन 1 ही मिलेगा। फील्ड फैल चुकी है, चौके लगना इजी नहीं है, और सारा ओवर सिंह वहाँ पे खेल नहीं रहे हैं। अनमोलप्रीत सिंह जी 1 रन पहली गेंद पे ले लिया हमने। लुइस के इस ओवर की बॉलिंग उन्होंने खतरनाक कराई है, यहाँ पे 1 रन मिलेगा। बैटिंग की मुश्किल हो गई है, रन्स नहीं आ रहे, विकेट्स गिर रहे हैं। चलिए भैया, चौथी बॉल। आज बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग, इनफैक्ट सारे ही गेंदबाज आज अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन ये अच्छा शॉट है, 2 रन वहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, गलत हो गए है ये, पर मिल गए। तो अच्छा डबल वहाँ पे और अच्छी रनिंग। चलिए 5th बॉल आ चुकी है, वरायच कंटिन्यू करेंगे। पिछला शॉट थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके जाएगा, ये भी अच्छा शॉट था, 1 रन और मिल जाएगा। बाउंड्रीज मिलना बहुत मुश्किल हो चुकी है, फील्ड बहुत अच्छी सेट है यहाँ पे। लुइस करेंगे कंटिन्यू, 18 ओवर भी हो चुके हैं। शॉट अच्छा है ये, 2 रनों की ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे मैं, और आई थिंक मिल जाएंगे, बहुत ईजिली मिलेंगे। अच्छा डबल वहाँ पे करेंगे, कमाल की गेंदबाजी हुई है वहाँ पे। ये वो वेस्ट इंडीज़ लग ही नहीं रही जिसके अगेंस्ट हम पहले खेले थे, ये बहुत ही बढ़िया और सुधरी हुई टीम लग रही है। शानदार गेंदबाजी कराई है भैया इन्होंने, लेकिन ये अच्छा शॉट, 1 रन और मिलेगा। सिंगल से वहाँ पे इनिंग्स बिल्ड हो रही है, स्कोर बन रहा है, विकेट्स गिरी है। संभल के ही खेलना सही है इस टाइम। अपना अगला ओवर लेके रेडी है वो, ये अच्छा शॉट है, गैप में है, 2 रनों की ट्राई बनती है, बट रहने देते हैं, विकेट गिराना सही नहीं है इस टाइम पे। अच्छी थ्रो भी आई वहाँ से, हम 18 रनों पे हैं। ये बढ़िया शॉट था, 1 रन और मिल जाएगा। लास्ट बॉल आ चुकी है बराज के इस ओवर की गेंदबाजी शानदार हुई है। ये शॉट अच्छा है, यहाँ तो 2 रन लेने पड़ेंगे यार। नहीं, नीतीश शार्मा बहुत लेट हो गए थे। अगली गेंद, दूसरी गेंद जोसेफ के इस ओवर की, और ये अपील हुई है, आउट दे दिया यार इन्होंने। तो रिव्यू तो यहाँ पे लूंगा मैं डेफिनेटली, थोड़ा सा गलत शॉट हो गया। चलिए रिव्यू लेके देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। शायद बच जाए, वैसे लग नहीं रहा कि किसी भी एंगल से बच पाएंगे हम। ये बेटर व्यू दे सकता है हमको। ये लेग स्टंप मिस कर सकती है ये गेंद। शॉट बिल्कुल गलत हो गया था, जोर से मारने जा रहे थे और भैया गलत हो गया ये सारा शॉट हमारा। तो बैट तो नहीं लगा है। चलिए आगे देखते हैं। पिचिंग आउटसाइड ऑफ है, ये इंपैक्ट लाइन पे आ गया है और विकेट्स मिसिंग है। तो बहुत ही अच्छा रिव्यू वहां पे हमने लिया। वैसे हाइट भी अच्छी थी यार बॉल की, तो आई थिंक अच्छा रिव्यू, बढ़िया बच के भैया, काम कर दिया था इस टाइम अंपायर ने हमारा। यार ये क्या पिच है, ये भी जोर से मारने की कोशिश, लेकिन बॉल कहीं भी नहीं गई। 21 ओवर हो चुके हैं, स्मिथ वापस आ चुके हैं। पहली गेंद उनकी, ये शॉट अच्छा है, 1 ही रन मिलेगा हालांकि, पर शॉट अच्छा था। टाइमिंग अच्छी आ रही है हमारी, गैप्स थोड़े मुश्किल हुए हैं। और जोसेफ अगला ओवर लेके तैयार अपना। ये गलत हो गया था शॉट, लेकिन 1 रन मिलेगा वहां पे आराम से। अगली गेंद, चौथी गेंद इस ओवर की, जोसेफ कंटिन्यू करेंगे। ये हम कहाँ खेल रहे थे, वाइड का चौका जरूर मिलेगा, बट आई थिंक ये एंगल बना के आए थे यार इस बॉल पे, और अच्छी इनस्विंग मिल गई इन्हें। शॉट अच्छा लग रहा है, लेकिन सीधा जा रहा है फील्डर के पास, थोड़ा भी इधर उधर नहीं जा पा रहा आज। ये भी अच्छा शॉट, रन 1 ही मिलेगा। शॉट्स बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन उनका फायदा सिर्फ 1 ही रन तक हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो शॉट यहाँ भी अच्छा था, गेंद अच्छी थी, 1 रन मिल गया। ये आई थिंक बैटर शॉट है, 2 रनों की ट्राई तो करने वाला हूँ मैं, शायद लेट हो गए हैं, मिल गए। तो रिस्की था, दोबारा नहीं करने वाला हूँ ऐसा डबल मैं, पर 2 रन मिल गए भैया वहाँ पे। 28 पे पहुँच गए, 42 बॉल्स पे। बैटिंग आज बहुत टफ है। अगली गेंद इस ओवर की, काफ़ी बाहर, काफ़ी शॉट, बिल्कुल टाइम नहीं हुई ये। पहले काफ़ी टाइम बाद ऐसी बॉल आई जो बिल्कुल भी टाइम नहीं हुई थी ये। 1 रन हालांकि मिल गया आराम से। ये अच्छा शॉट है, फाइनली क्या हमारी पहली बाउंड्री जाने वाली है। चलिए भैया रुक क्यों गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2 रन ही आए सिर्फ वहां पे। ये भी अच्छा शॉट है, 2 रन यहाँ पे भी हमें बहुत इजीली मिलेंगे। तो ये अच्छा गैप मिल गया है एकदम से वहां पे, 2-2 रन सही। कुछ रन्स आ रहे हैं इस टाइम, रन्स बहुत जरूरी है, और पार्टनरशिप भी 50 रन्स की पूरी होती हुई वहां पे। तीसरी गेंद आ चुकी है इस ओवर की, शॉट अच्छा है, इस बार 1 रन मिलेगा, लेकिन 2 रन नहीं मिलेंगे। अच्छा कैप नहीं मिला, 1 रन सही। चलिए भैया प्रीमस कंटिन्यू करेंगे, एज लगेगा और चौका अभी भी नहीं मिलेगा, 1 ही मिलेगा, वापस चाहिए। चलिए ये शॉट थोड़ा सा अच्छा है, मैं 2 रन ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे, आई थिंक हो जाएंगे, बिल्कुल हो गए। चलिए भैया जोसेफ अगली गेंद कराएंगे। हम 38 रन्स पे पहुंच चुके हैं। आज थोड़ा स्लो खेले हैं, लेकिन यार सिचुएशन स्लो खेलने को मजबूर कर रही थी, और विकेट गिर गया यहाँ पे। काफ़ी टाइम बाद ऐसी इनिंग खेली है जहाँ ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं लगी हमसे। ये आउट है, इस बार आउट है। सॉरी मैं दोबारा फिर से रिव्यू करने चल पड़ा था, बट बड़ी अजीब सी पिच थी यार ये। बॉल टाइम भी हो रही थी, लेकिन शॉट्स जा ही नहीं रहे थे, और इस बार तो टाइम ही नहीं हुई, तो विकेट भी गिर गया। तो कोई भी चौका नहीं मारा हमने, अजीब बात है। वैसे काफ़ी टाइम बाद ये हुआ है कि एक भी चौका ना लगाया हो। 9 मैच 22 विकेट्स और 340 रन। और बोलना भूल गया था यार, ध्यान बैटिंग की तरफ ही गया हुआ था कि आज एक भी बाउंड्री नहीं लगी हमसे। तो क्विकली देख लेते हैं हमारे बाद क्या हुआ वहाँ पे। तो 109 रन नितिश राणा ने मारे। उन्होंने जो हमने स्टार्ट लिया था, नितिश राणा ने भी लगभग वैसे ही स्टार्ट लिया था, टाइम लिया, लेकिन उसको अच्छी इनिंग में बिल्ड किया। हमसे वो नहीं हो पाया जो नितिश राणा करके। रिंकू सिंह आज वैसे देखा जाए हर कोई स्लो खेला, थोड़ा रिंकू सिंह भी स्लो खेले हैं, स्टार्टिंग में भी सारे स्लो खेले हैं, हम भी स्लो खेले हैं। पिच ही कुछ ऐसी थी यार, बैटिंग इजी नहीं लगी मुझे यहाँ पे। लेकिन भैया वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल सही खेल रही है। तो इनकी टीम क्या है एक बार देख लेते हैं। एंड्रू रसल है भैया, निकोलस पूरन, ऊपर हिटमेयर है और काफ़ी प्लेयर्स चेंज हो चुके हैं। चलिए जो भी है बॉलिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहली गेंद कराते हैं। स्ट्राइक पे एम्ब्रिस है, 8 रनों पे खेल रहे हैं। ओहो क्या बॉल थी! ये पिच है बॉलिंग वाली भैया, आज तो विकेट्स बनती है। दूसरी बॉल आ चुकी है, आज तो यार विकेट्स बनती है यहाँ पे। और उठा के मारा है, पीछे प्लेयर है, एक ही रन मिलने वाला है। वेस्ट इंडीज़ की होम कंडीशंस है भैया, वो अच्छा खेल सकते हैं यहाँ पे। कुछ हमने लुक में भी चेंज किया यार अपने प्लेयर के। चलिए चौथी गेंद आ चुकी है, 3 बॉलें अच्छी लाइन पे डली है। क्या बात है, क्या बात है इस पिच की। तो चलिए भैया 6 ओवर हो चुके हैं, 20 रनों पे पहला विकेट भी गिर चुका है इनका और वरायच आउट हो चुके हैं। तो पहली गेंद दूसरे ओवर की, स्ट्राइक पे एम्ब्रिस है, शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर है, काफ़ी पीछे है, बट वो इसमें ऑप्शन होनी चाहिए यार, बाउंड्री वाले प्लेयर्स थोड़े से आगे कर सके हम, बट ऐसी ऑप्शन है नहीं। तो 1 रन और मिल गया इन्हें। दूसरी बॉल कराते हैं, स्ट्राइक पे थॉमस आए हैं, 4 बॉलें वैसे तो खेल चुके हैं ये, पर हमारी पहली खेल रहे हैं। और क्या शॉट लगाया है, गलत बॉल थी ये और उसका पूरा फ़ायदा उठाया। ये बॉल अंदर आई, अभी तक बाहर जा रही थी, ये वाली बॉल अंदर आ गई बिल्कुल ही। और अच्छा खेले भैया उसको। ये फिर से लेग पे चले गए, क्या कर क्या रहे हैं ये? आउटसाइड ऑफ स्टंप करा रहा हूँ, ये भैया लातों में बाहर चली जा रहे हो और अब दुखी हो गए हैं ये खुद से ही। फिफ्थ बॉल इस ओवर की, कंट्रोल भैया लूज हो गया इस मैच में। हुआ क्या है ना, वो ये देखिए इसी की कमी थी, ये भी पूरी होगी। तो भैया क्या करें। तो हमारा अगला स्पेल आ चुका है, 2 ओवरों में 15 रन दिए है। और अगला स्पेल क्या, ये तो बहुत जल्दी ले आए हैं, कुछ खास नहीं हुआ है। लास्ट बॉल फील्ड रिस्ट्रिक्शन का, बहुत अच्छी स्टार्ट ली है वेस्ट इंडीज़ ने। चलिए पहली गेंद कराते हैं अपने तीसरे ओवर की, उठा के लगाएंगे और ये भी चौका चला जाएगा। समझ में नहीं आ रहा यार, हमारी बैटिंग या तो शुरू में बैटिंग डिफ़िकल्ट थी या चक्कर क्या हुआ। ये तो बहुत ही आराम से खेल रहे हैं, अच्छे चौके लगा रहे हैं, मज़े से खेल रहे हैं। चलिए अगली गेंद कराते हैं, दूसरी बॉल कराते हैं अपने इस ओवर की। ये भी बढ़िया शॉट है यार, दिन दिन की बात है भैया, आज दिन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, बड़े अच्छे अच्छे चौके लग रहे हैं। 11 ओवर हो चुके हैं और हमारा चौथा ओवर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। कुछ अभी तक तो ओ हो अभी तक कुछ खास नहीं गया था, लेकिन अब चला गया है, फाइनली विकेट आ गई। और ये कैच बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा कैच था। एक टाइम मुझे लगा शायद आगे बाउंस कर जाएगा, बट ऐसा होने नहीं दिया कीपर ने। तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा भाई इन्होंने, कमाल कर दी, क्या बात है। फर्स्ट स्लिप का कैच था ये, क्योंकि आज एक स्लिप कम रखी है, तो भैया सेकेंड स्लिप खड़ी है। नागराजन फाइनली बढ़िया कैच पकड़ते हुए वहाँ पर। शिमरॉन हेटमेयर आ चुके हैं, अच्छा हमें 35 विकेट्स भी लेनी है वहाँ पे। और एम्ब्रिस का विकेट लिया हमने, काफ़ी बाउंड्रीज लगाई उन्होंने हमें। तो दूसरी बॉल आ चुकी है हमारी और हेटमेयर है स्ट्राइक पे। चलिए आते ही भैया थोड़ी तो वेट किए जिया करे, आते ही उठा के मारते हैं हेटमेयर भैया। अगली बॉल, चौथी बॉल आ चुकी है। पीछे फील्डर है लेकिन निकल गई। आई थिंक चौका निकल जाएगा इस बार। हेटमेयर एक अलग ही मूड से आए हैं वहां पे, अच्छे चौके लगा रहे हैं। बढ़िया शॉट था ये। यार आज चक्कर क्या हो रहा है, पर फिर से गेंद लातों में चली गई। चलिए भैया सिक्स्थ ओवर कराते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 6 के ऊपर जा चुकी है। ये एक चीज इस टाइम हमारी फेवर में है। डाइव मारी है यार, एक रन और मिल जाएगा। चलिए थॉमस है स्ट्राइक पे, तीसरी बॉल कराते हैं। ये भी एक रन मिल जाएगा। चलिए लास्ट बॉल कराते हैं अपने इस ओवर की। ये ओवर थोड़ा सा ठीक रहा है कंपैरिजन में, सिंगल्स ही आए हैं, चौके चौके नहीं पड़े हैं, तो ठीक रहा है। प्लस लाइन ठीक रही है इस ओवर की। तो ओवर ख़त्म हो गया भैया। हमारा अगला स्पेल आ चुका है। 6 ओवरों में 42 रन देके एक विकेट लिया है हमने, और 120 पे 3। हेटमायर आउट हो चुके हैं। बैटिंग अच्छी चल रही है इनकी, क्लोज मैच जाएगा ये भी। चलिए पहली गेंद कराते हैं 7वें ओवर की। ये आउट होंगे, गेंद तो अंदर आई है। क्या करूं, बहुत कंफ्यूजन वाला काम है, बट अभी नहीं। बट मैं चेक जरूर करना चाहता हूं, सॉरी, पर चेक जरूर करना चाहता हूं इसको। क्या ये आउट थे? तो पिचिंग आउटसाइड ऑफ थी। ये एक चीज़ बैट्समैन की फेवर में जाता है। इम्पैक्ट भी आउटसाइड ऑफ था, विकेट अंपायर्स कॉल थी। तो आई थिंक हमारा डिसीजन सही रहा रिव्यू ना लेने का, बट ये बॉल अच्छी थी, स्विंग अच्छी थी इस बॉल पे। तो फाइनली कुछ फील्ड में चेंजेस किए हैं, लेग साइड पे कुछ ज़्यादा फील्डर्स रखे हैं। मुझे अभी अभी आइडिया आया और गेंद ऑफ पेडल की, भूल गया था। लेग साइड पे फील्डर्स रखे हैं और एक और चौका। आज कितने चौके खाने हैं भैया, 50 होगी थॉमस की। अच्छा खेले, 10 चौके लगाए हैं इन्होंने। चलिए अगली गेंद कराते हैं। मैं कह रहा था लेग पे रखे हैं, थोड़ा एलबीडब्ल्यू की कोशिश करेंगे वहाँ पे। ज़्यादा बाहर चली गई, आज लाइन नहीं बैठी है, बिल्कुल नहीं बैठी है। अगली बॉल, 5वीं बॉल आ चुकी है हमारे ओवर की। क्या ये आउट है? अंपायर ने तो नॉट आउट दे दिया है। वैसे मैंने इन स्विंग कराई थी तो माइट भी लेग स्टंप मिस कर जाएगी, लेकिन जो भी है अब मैं रिव्यू ले रहा हूँ। बहुत हो गया, मुझे ये क्लोज लगा है भैया, बट लेग स्टंप ना मिस कर जाए बस, अब यही एक है। तो कहाँ है ये? गलत हो गया, बहुत ही गलत हो गया ये। इस एंगल से तो लग रहा है कि बहुत ही बड़ी गलती कर ली हमने। डेस्परेशन है इस टाइम की, एक विकेट मिल जाए, क्योंकि मैच बिल्कुल अभी तक हमारे लिए ठीक ठाक सा ही गया। अच्छा नहीं कह सकते। अगर ये पिछले पैर पे लगा होता तो ये आउट थे, लेकिन ये अगले पे लगा है तो बैट तो नहीं लगा है वहाँ पे। बहुत ही गलत रिव्यू था ये, बहुत ही ज़्यादा गलत रिव्यू। इससे अच्छा तो पिछला रिव्यू था यार, एटलीस्ट थोड़ा तो क्लोज था। ये तो बहुत ही गलत हो गया। अगली बॉल आ चुकी है हमारे ओवर की। तो पीछे फील्डर नहीं है, कहाँ गए? अच्छा इन दोनों के बीच में मारा है यार इन्होंने। क्या बढ़िया गैप रखा है, अच्छा शॉट, अच्छा चौका। कुछ कर लो आज तो। एजिस के चौके आज एक भी नहीं लगे। आई थिंक सारे चौके सही शॉट के लगे हैं। अगली बॉल, 5वीं बॉल आ चुकी है इस ओवर की। ये आउट है, ये आउट नहीं है, ये तो आउट थे यार। रिव्यू जो वेस्ट किया था वो भैया यहाँ भारी पड़ गया। इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल था, विकेट अंपायर्स कॉल था। ओ हो, काफी क्लोज था ये। तो अगली बॉल, लास्ट बॉल आ चुकी है इस ओवर की। ओ हो, इससे बढ़िया यॉर्कर हमने नहीं कराई होगी। बिल्कुल सही लगी ये जाके निशाने पे, 2 विकेट उड़ती गई वहां पे उनकी और डेवन थॉमस खतरनाक प्लेयर आउट हो गए हैं। मैच को एक बार दोबारा इंडियन साइड पे आ चुका है अब ये एंड्रे रसल। अच्छा ये खड़े हैं, अभी नहीं आया भैया हमारी साइड पे। तो 28 ओवर हो चुके हैं हमारे, 8 ओवर हो चुके हैं और 2 विकेट्स मिल चुके हैं। काफ़ी मेहनत के बाद मिली है ये विकेट। और चलिए एंड्रे रसल की पहली गेंद होगी, कराते हैं इन्हें पहली गेंद। अच्छी गेंद थी वैसे, आउट तो नहीं होंगे। चलिए दूसरी बॉल आ चुकी है रसल को। पहली बॉल बहुत ही अच्छी रही, हवा में गेंद है, पीछे फील्डर है लेकिन अच्छा शॉट गैप में निकल गया 4 रनों के लिए। अब इसका क्या करें, अच्छा चौका लगा गया रसल और अब तो सारे फील्डर सही खड़े हुए। ये शॉट इतना अच्छा था, रोक नहीं पाए। चलिए 1 ओवर के लिए हमें बचा लिया था इन्होंने। तो 93 रन चाहिए 72 बॉल्स पे। कॉर्नवाल और पूरन खड़े हुए हैं, बैटिंग अच्छी है वेस्ट इंडीज के पास। एंड्रे रसल आउट हो चुके हैं, स्ट्राइक पे कॉर्नवाल है। पहली गेंद कराते हैं इन्हें। अच्छी गेंद, डॉट बॉल थी। चलिए अगली बॉल, चौथी बॉल और मैं वापस ओवर भी आ गया हूँ। रीजन कोई नहीं है, बस मन किया तो आ गया। 1 रन और मिलेगा उन्हें, 2 नहीं लेंगे, 1 ही लेंगे। तो इस ओवर में अच्छा खेले, 1-1 रन आराम से खेल रहे हैं। आई थिंक उनको यही है कि भैया इसका ओवर निकालिए। पार्टनरशिप भी होगी, आई थिंक 50 की होगी ये। तो फाइनली लास्ट बॉल आ चुकी है, कॉर्नवॉल स्ट्राइक पे है और हमारे ओवर्स इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। एज लगेगा और 4 रन। आई थिंक इस पूरे मैच में एज नहीं लगा था और लास्ट बॉल पे लग गया। ओके, तो वेस्ट इंडीज़ ने ये मैच जीत लिया यार यहाँ पे। और निकोलस पूरन 88 रन बनाए एंड में आके, उन्होंने क्या बढ़िया बैटिंग की है। ओके, आई थिंक हमारी बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई वहाँ, किसी ने भी कुछ खास नहीं किया है। उनादकत ने 2 विकेट्स लिए बट रन बहुत दिए। यॉर्क ने आई थिंक ठीक बॉलिंग कराई है, गोस्वामी ने बहुत अच्छी कराई है, कुरुवेला बहुत पिटे हैं, नितिश शार्मा और हमने रन दिए बट विकेट्स भी 2 लिए। एटलीस्ट उनादकत से अच्छी कराई थी। काफ़ी मैचेस लगातार हार गए हम लोग, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, सब कुछ किया है लेकिन ओवरऑल हमारा देखा जाए ये मैच ठीक ठाक सा रहा। बैटिंग थोड़ी स्लो हुई लेकिन पिच शायद हमारे मतलब की नहीं थी ये बिल्कुल भी। उसके बाद बॉलिंग में मेहनत लगी पर 2 विकेटें ले ली किसी तरह। तो चलिए आगे चलते हैं। तो लेवल वगैरह तो कुछ इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, आई थिंक नहीं हुआ है। जी हाँ, नहीं हुआ है। तो सेकंड मैच आएगा इसके बाद। अभी भी टचवुड हमारी जो फॉर्म है वो ऊपर की तरफ ही है, नीचे को नहीं आई है। तो एक बार देख लेते हैं कुछ हमें मिला है कि नहीं। बॉलिंग का फ़ायदा नहीं है वैसे, अगला भी बॉलिंग का हमारा बहुत जल्दी खुलने वाला है। फील्डिंग में वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा है, बैटिंग में भी कुछ खास नहीं मिला है। तो भैया चलिए, आई थिंक वैसे ये वीडियो अच्छी लंबी हो चुकी है, इसको ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। पहला मैच हार चुके हैं, इसका सीधा मतलब है कि अगले 2 मैचेस हमें जीतने होंगे हर हाल में अगर वेस्ट इंडीज़ को हराना है, लेकिन वरना इंग्लैंड की तरह ये वाली सीरीज़ भी हार जाएंगे। तो चलिए यार, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कोई भी बात है कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।